हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास जो ग्राम पंचायत अधिकारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो नई वैकेंसीज आई है उसी के रिगार्डिंग है। इसमें आप देखेंगे कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो वैकेंसीज आया है उसका क्या प्रोसीजर है, फॉर्म भरने का क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, और क्या फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 01, परीक्षा 2023, ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा, ठीक है। विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 16 तारीख को था, ये आया था विज्ञापन, और ऑनलाइन जो स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरने का और जो शुल्क जमा करने की जो तारीख भी स्टार्ट हुई है तिथि, वो 23/5 थी, यानी 23 से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप भी भर सकते हैं। और जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 12 जून 2023 है, ठीक है। और शुल्क समायोजन एवं आयोजन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 19/6/2023 है, ठीक है। तो ये अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर भरिए। लेकिन इसका एक चीज़ ध्यान रखना, ये वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो यूपी में जो पेट की परीक्षा होती है वो जो दिए हैं वही ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेष कथन भी दिया हुआ है, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12/6/2023 है। मतलब जो लास्ट डेट है वो 12 जून 2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो लास्ट डेट है वो 12 जून है, 12 जून के बाद कोई भी आवेदन या कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये आगे फिर कह रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। मतलब आप प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि आपने जो आपको जो शुल्क जमा करना है वो शुल्क जमा करेंगे और उसका समायोजन नहीं हो जाता है तब तक आप प्रिंटआउट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि 12/6 तक आप कर सकते हैं शुल्क समायोजन, ठीक है। उसके बाद 7 दिन का जो विलंबतम डेट भी दिया हुआ है, मतलब लेट जो कहते हैं लेट पेमेंट भी कर सकते हैं आप, 7 दिन तक दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें 19 तारीख तक दिया हुआ, 7 दिन यानी 19/6/2023 तक आप अनिवार्य रूप से उसको क्या करना है, आप समायोजन करा लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुल टोटल पोस्ट कितनी है। तो जो जिसको हम वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के नाम से इसे जाना जाता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी। मेन परीक्षा का ये है, ठीक है। जो प्री एग्ज़ाम होता है वो पेट के माध्यम से हो जाता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है या ये जो वैकेंसीज है वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जो पेट का एग्ज़ाम दिया होगा, जो यूपी में पेट का एग्ज़ाम कराया जाता है, ठीक है। तो वो जिन्होंने किया है वही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। प्रीपेड क्या है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेड 2022, इसमें भी ध्यान रखना है जिनका जो पेड 2022 दिए हैं वही ये भर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2023 ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा। तो ये क्या है, मुख्य परीक्षा का है के अंतर्गत पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल 1468 पदों पर। तो ये ध्यान रखना है कितने पद हैं, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा पोस्ट है, 1468 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है और इसमें क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के लिए ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे देखिए शॉर्ट लिस्ट किस बेसिस पर किया जाएगा, साफ साफ यहाँ दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक
अर्हता परीक्षा यानी जिसको हम क्या बोलते हैं पेट, ये है प्रिलिमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभागी हेतु तो केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी पेट 2022 में सम्मिलित हुए हैं। तो ये फॉर्म मैंने पहले भी बताया कि ये फॉर्म वही कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं जो लोग पेट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। और पेट का एग्ज़ाम मैं बता दूँ यूपी में है। पेट का एग्ज़ाम पहले आपको क्वालिफाई करना है और उसमें भी दिया हुआ है, देख लीजिए क्या इसमें भी एक पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन भर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में शून्य या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में ये तो शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जिनके भी मार्क्स 0 हैं या उससे कम हैं उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ कंडीशन या कुछ शर्तों के पे उनको क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यही दिया है। परंतु यह जब तक आयोग स्तर से जाँच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन एवं आबंधिक प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आयोजन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। तो ये कुछ कंडीशन है, उस पर उनको भी अनुमति दी जा सकती है। आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। देखते हैं, ठीक है, ये हो गया कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या है, इसमें क्या है, इसको जो आप फिलअप करेंगे वो किसके द्वारा फिलअप करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा इसे फिलअप करेंगे और ये उसी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा। और ये आप वेबसाइट इसका दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है और देख लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया कैसे है। आवेदन के लिए वही है कि आपको वेबसाइट जाना है, किस पे, upssc.gov.in के होम पेज पर। लाइव एडवर्टाइजमेंट जाएंगे, उस सेगमेंट में जाने के बाद आप संबंधित विज्ञापन उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, वहाँ पर विज्ञापन को डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें दिया हुआ क्या, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण किया जा सकती है। मतलब आप एक बार स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना तो एक ही बार में किया जा सकता है। ठीक है, और जो दिशा निर्देश है वो पूरा नीचे दिया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे हम एक बार क्या करना है, अच्छे तरीके से भली बात देख लेना है कि उसमें क्या है। यहाँ दिया हुआ था अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और भली बात क्या करें, समझ लें। तो यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली बात समझ लें। ठीक है, जिससे कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता एवं अन्य अर्हताएँ धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि शैक्षिक योग्यता और एज आप जब इसमें देखेंगे तो उसमें दिया है अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मतलब ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरें। ठीक है, तो लास्ट डेट आपको याद रखना है 12/6 यानी 12 जून तक। और जो यहाँ पे दिया हुआ है एज में जो रिलैक्सेशन चाहते हैं यानी आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित और वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छात्र प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लेखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ये कंडीशन दिया हुआ है और EWS का भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। EWS का अगर प्रमाण पत्र है तो उसको भी आपको क्या करना है, उसको भी आप निर्गत करा लेना है। ठीक है, वो भी दिया हुआ है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर हैं EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन की इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वो आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2023 से 12/6/2023 के मध्य निर्गत
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 22-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 23-24 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित। तो ये ध्यान रखना है, ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं वही कैंडिडेट ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 के बीच में निर्गत किया गया हो, ठीक है, उसके बीच में जिनके पास उसका सर्टिफिकेट है वो इस चीज़ को भर सकते हैं, ठीक है। और विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, तो ध्यान रखना है कि ये नहीं कि कई सारे फॉर्म को फिलअप कर दें, इसके लिए केवल और केवल एक ही फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है। आप देखिए कैसे इसमें जो निर्देश दिया हुआ वो कैसे करना है, इसमें कह रहा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण, मतलब जो आपने पेट का फॉर्म भरा होगा उसका जो आपका लॉगिन होगा उसके माध्यम से आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करके आप करेंगे, ठीक है। इसमें भी दो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि जो आपने पेट 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर है और जन्मतिथि लिंग और उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण एवं श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आप क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। या आप दूसरा ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं जिसमें आप वो जो पेट 2022 में फॉर्म भरा होगा उसमें जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके माध्यम से आप ओटीपी से भी आप क्या कर सकते हैं, ये फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको फिलअप करने के लिए, क्योंकि आप ये जो वैकेंसीज है वो वही भर सकते हैं जो पेट 2022 का एग्जाम दिया हुआ है, तो उनको आप 2022 का जो पेट आपने भरा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपके मेल आईडी पे या कहीं भी आपके मोबाइल नंबर पे होगा तो उसको आप ध्यान से फिलअप करके आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता 2022 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जो निवासी जो है उत्तर प्रदेश का, विवरण श्रेणी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे, ठीक है। तो ये सब आपका पूरा वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद कह रहे हैं इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस या नो का विकल्प करने के उपरांत बोर्ड संस्था, विश्वविद्यालय का नाम, मतलब जिस बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, और आप किस साल में आपने उत्तीर्ण किया है, फिर सर्टिफिकेट या उसका रोल नंबर, ठीक है, जो अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र हैं उसकी जारी करने की तिथि और प्रांताक के साथ ये सब अंकित करना होगा आपको, ठीक है। फिर नीचे दिया हुआ अभ्यर्थी को उपयुक्त सूचना वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन क्लिक करना है। फॉर्म में सबमिट होते ही क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी को एक आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, आई होप कि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। इसमें दिया हुआ इस भाग में अभ्यर्थी और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा, एडमिट की जो आपने पेट में भरा हुआ वो यहाँ पे ऑलरेडी दिखेगा और इसको क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके कंटिन्यू बटन क्लिक करके आगे जाएंगे, फिर उसके बाद अदर डिटेल जो होगा, ठीक है, उसको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन रहेगा, डिक्लेरेशन आप फिलअप करेंगे और डिक्लेरेशन फिलअप करने के बाद, ठीक है, आप वहाँ पे घोषणा पत्र करते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं कि इसमें कोई भी जितनी भी इंफॉर्मेशन भरी गई है वो क्या है, पहली बात आपने चेक कर लिया है और इसमें कोई भी वो नहीं है, उसके बाद टिक उस पर करके उसे सेव एंड प्रोसीड करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू पृष्ठ पर देखेंगे, आप देख सकते हैं, देखने के बाद आप अगर सहमति हैं तो आगे आप प्रोसीड करेंगे, नहीं है तो जो चेंजेस करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कंप्लीट करके आगे प्रोसीड करते हैं तो अब आपका पेज खुलेगा पेमेंट के लिए, तो प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया क्या करनी है, पूर्ण करनी है, ठीक है। फिर फीस का भुगतान आप यहाँ पर करेंगे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से जाके, वहाँ पे अन्य किसी माध्यम से शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह ध्यान रखना है केवल इसी के माध्यम से लिया जाएगा। और जैसे ही शुल्क का सफल भुगतान होगा वहाँ पे आपको एक पीआर मिल जाएगा जिसको हम बोलते हैं पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, ठीक है, उसमें पेमेंट का विवरण रहता है, ठीक है। और पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है उसको क्या करना है, प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आप करेंगे आगे बढ़ेंगे और
फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद उसका है कि क्या ना प्रिंटआउट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने जो पेमेंट किया है, अगर उस भुगतान का अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो ये जब तक समायोजन नहीं हो पाएगा, यानी जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आपका प्रिंटआउट नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, अपडेट योर ट्रांजेक्शन आई डी बाई डबल वेरीफिकेशन पर क्लिक करके अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें, ठीक है। तो ये आई होप कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आप इजीली क्या करेंगे भर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, भर्ती द्वारा उपयुक्त उपयुक्त के अतिरिक्त एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक कार्ता 2022 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वही है कि जब आप एक बार जमा कर देते हैं फिल्क, तो किसी भी उसमें रूप में उसको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। और लास्ट डेट के बाद कोई भी शुल्क जमा नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिए कि लास्ट डेट से पहले पहले आप फॉर्म को फिलअप करके पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए जो है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, सभी के लिए 25 रुपीज़ है, ठीक है। तो सभी को 25 रुपीज़ क्या करना है, पे करना है। फिर उसके बाद कह रहा है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान परीक्षा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, ठीक है। तो जो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसका परीक्षा शुल्क पेमेंट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग निर्धारित किया जाता का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जब शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब कह रहा कि प्रिंट आउट कैसे लेना है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करने के उपरांत उसका एक प्रिंट आउट क्या करेंगे, रख लेंगे। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षा के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तो ये आप अपने पास रख लेंगे, इसका प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये आपको एक दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, अभ्यर्थी अपने आवेदन की प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए लिंक पर अपडेट योर ट्रांजेक्शन आई डी बाई डबल वेरीफिकेशन पर क्लिक करके शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र प्रिंटआउट कर सकते हैं। तो ये प्रिंटआउट करने का तरीका बता रहे हैं, आप उसको प्रिंटआउट कर लीजिएगा, उसके अपने पास एक कॉपी रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो मॉडिफिकेशन होगा, उसके लिए मॉडिफिकेशन में भी क्या होगा, जब शुल्क जमा कर देंगे तो उसके उपरांत आप संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेट सेगमेंट में जाना है, उसमें एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर 2022 के माध्यम से लॉगिन करेंगे, पेड 2022 के माध्यम से, और लॉगिन के बाद जो मॉडिफाई एप्लीकेशन पर बटन क्लिक करके क्या करेंगे, आप जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा दर्ज करेंगे, उसके बाद आप जो भी चेंज करना चाहते हैं उस पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो निम्नलिखित यहाँ पर दिया हुआ विवरण उसको उसके अतिरिक्त किसी अन्य विवरण का संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो नाम में वर्तनी की गलती, पिता के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, और अन्य विवरण जैसे EWS, ठीक है, और क्षतिज आरक्षण, जाति की श्रेणी, लिंग, आवेदन में अनिवार्य दीवानी अर्थात संबंधित दर्ज किया गया विवरण, इन सब चीज़ों के अलावा इनको ही क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, बाकी चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो बहुत सावधानी से भरेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी आपको, आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी यदि आप सही से भरते हैं तो, ठीक है। पदों का विवरण दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पदों का विवरण और उसके उसमें पूरा वो दिया हुआ कि किस किस उसमें है, ये देख सकते हैं। कुल वैज्ञानिक पदों की संख्या, उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण दिया हुआ है। टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है वो 1400 क्या है, 68 है, देख सकते हैं, जिसमें पंचायती राज विभाग है, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, पे लेवल इनका है लेवल 3 है, 21,700 से स्टार्टिंग है और 69,100 है पे बैंड जो है, ठीक है। अब जनरल की पोस्ट 849 है, अनुसूचित 356 है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति है यानी ST के लिए 7 हैं, और OBC के लिए जो पोस्ट हैं 139 हैं, ठीक है, और EWS के लिए 117 हैं। तो टोटल मिला के 1468 पोस्ट होती हैं,
और ये क्या है, परमानेंट है, तो ये चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ठीक है, अब नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से इसका ये भी दिया हुआ है, किस तरह से आरक्षण का भी दिया हुआ है कि किस तरह से वहाँ पे आरक्षण रहेगा। ये देखिए ये था, और इसके बाद इसी में देखिए 2.5 में दिया हुआ है किस तरह से कि यहाँ पे 2 पोस्ट किसके लिए हैं, रिजर्व हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 पोस्ट, ठीक है। और जो पीएच हैं, पीएच किस बेसिस पे है उसके हिसाब से 28-2, और यहाँ पे 47 क्या है भूतपूर्व सैनिक के लिए, और 270 सीट रिजर्व है किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 पोस्ट, तो ये रिजर्वेशन का पूरा आपको ये दिया हुआ है किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वैकेंसीज को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे आगे आरक्षण संबंधी प्रावधान, ये आप देख लीजिएगा किस तरह से है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के ही उस पर है, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्वाधिक विद्यमान शासनादेशों विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। तो ये यूपी के जो है उसी के माध्यम से होगा, और ईडब्ल्यूएस का आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का अभी हमने बताया था किस तरह से होगा, इसमें 10% क्या है उनको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये 5.2 में आप देख सकते हैं ये चीज़ें। इसी तरह एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी है, और दिव्यांगजन जो है उनके लिए भी दिया हुआ है आरक्षण, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनको भी उसी हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, अब आगे देखते हैं विज्ञापित पदों हेतु अर्हताएं, यहाँ पे दिया हुआ है, ये मेन चीज़ यही पॉइंट है, ध्यान देना है क्या है अर्हताएं। अनिवार्य अर्हता उत्तर प्रदेश सरकार, सॉरी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली 2016 के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित अर्हता अवश्य आधारित करनी चाहिए। पहला क्या है, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा हो, और NIELIT यानी पहले डोएक संस्था जो होती थी उनके द्वारा CCC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये दो आपको अर्हताएं रखनी ही है। अधिमानी अर्हता में दिया हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, और जिसकी ग्रामीण पृष्ठभूमि हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अगर अगर वहाँ पे ये प्रेफरेंस अर्हताएँ हैं, ठीक है, उनके लिए प्रेफरेंशियल होगा, जो इसमें इस चीज़ को रखते हैं उनके लिए वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। एज क्या है, एज का आप देख सकते हैं, एज आपका वही है कि 18 से और 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 18 से कम ना हो, यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, ठीक है। लेकिन ये इसमें भी क्या होगा, आप एज रिलैक्सेशन होगा जैसे जैसे कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो चयन का आधार है, केवल लिखित परीक्षा, आपको पता ही है ये समूह ग का पद है, तो इसमें केवल लिखित परीक्षा होना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दिव्य स्त्री है, और यहाँ पे क्या है सीधे क्या होगा उसमें क्या होगा कि जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुआ हो, तथा उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली 1978 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा नियमावली के अनुसार की जाएगी। ये तो पूरा उनका वो दिया हुआ है कि सेक्शन के थ्रू ये किया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा, तो ये बाद में ये बताएंगे अलग से, ठीक है। लिखित परीक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि वही की यदि संख्या अधिक होगी तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक मुख्य परीक्षा जो शॉर्टलिस्ट किए गए कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। अगर कम होंगे तो एक ही पाली में होगा, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे कई सारे पाली में एग्जाम होगा, और उसका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को, ठीक है, यानी 15 गुना कितना, 15 गुना अभ्यर्थियों को
अंतिम कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर निर्धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें वही हैं, कुछ देख लीजिएगा, वो अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश हैं कि किस तरह से क्या है सब ये, ठीक है। और बहुत अच्छा आपके लिए ये है, एक अपॉर्चुनिटी है, उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अब अगर अभी भी नहीं किया है। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पेट का आप फॉर्म भरें तभी ये आप इस वैकेंसीज को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको फिलअप करने के बाद तैयारी अपना क्या करिए, तैयारी की स्पीड को बढ़ा दीजिए। और बाकी ये सब चीज़ें दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये है अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र है, इसी प्रारूप में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है अनुसूचित जनजाति के लिए, ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ओबीसी के लिए इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और ये है कि आप क्या आपका आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस के लिए है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर उसके बाद भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए आरक्षण के लिए, ये जो इनका जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए है, ठीक है, डिसेबिलिटी का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं, और ये वैकेंसी से रिलेटेड सारी जो क्वेरीज थी हमने यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश किया गया है। तो ये फॉर्म अगर आपने अभी तक फिलअप नहीं किया तो फिलअप कर लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा कि इसकी लास्ट डेट जो है, ये डेट सारे डेट इम्पोर्टेंट हैं, इन डेट को ध्यान रखिएगा। इसमें जो मेन डेट है ये आपका 12/6/2023, तो ये लास्ट डेट है। तो अगर आपने पेट का फॉर्म भरा था, आपने एग्ज़ाम दिया था, आपका एक वैलिड स्कोर है, तो आप इसकी तैयारी करते रहिए और फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए चैनल पर नए हैं तो, और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे कि उनको भी उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक। थैंक यू।